गाय पीछे पड़ गई। अरे 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 हाय, मुंह बंद करके सीटी बजा सकता है। एक और बार। सो गाइस हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी बज रहे हैं 5 एंड आधे रास्ते से मैं व्लॉग इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि हमारा बिल्कुल सडन प्लान बना राम झूला लक्ष्मण झूला साइड जाने का। मैं घर पे लेटा हुआ ही था, मेरे को तनिष का कॉल आता है एकदम से कि चलो यार मौसम बढ़िया हो गया, शाम को चलते हैं कहीं निकलते हैं। मैंने कहा ओके डन, मैं आ रहा हूँ बस 5 मिनट में। तो मैंने जल्दी जल्दी हेलमेट वगैरह उठाया अपना और हम लोग अभी निकल चुके हैं राम झूला की साइड। तो देखते हैं, अगर आज कुछ शूट करने लायक होगा तो मैं डालूंगा, वरना पता नहीं है वाला ब्लॉग आएगा भी या नहीं आएगा। सो लेट्स सी। एंड गाइस ऋषिकेश में शाम के टाइम ट्रैफिक इतना है, बस राम झूला की साइड ना हो ज़्यादा। वैसे तो आजकल सराज चल रहे हैं इसलिए इतनी भीड़ यहाँ पे है नहीं, वरना पिछला जो वीकेंड था वो लॉन्ग वीकेंड था, उसमें इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी थी ऋषिकेश में कि निकलना भी मुश्किल हो रखा था। अभी तो फिर भी उतने बुरे हाल नहीं है, चलने लायक है ट्रैफिक। यहाँ से हम ले रहे हैं राइट जानकी सेतु के लिए क्योंकि राम झूला से भीड़ होगी एंड लक्ष्मण झूला से तो पुल ही बंद है फिलहाल। अरे भाई भीड़ इतनी है कि जगह ही नहीं मिल रही है जाने की। बहुत भीड़ है भैया, बहुत भीड़ है। ऊपर से Z900 ट्रैफिक में। यहाँ मिलने वाले हैं अपने को रिएक्शन बहुत ही तगड़े वाले। भाई जहाँ भी भीड़ हो ना और Z900 लेके चले जाओ, इतने तगड़े रिएक्शन मिलते हैं ना, हर कोई पीछे पलट के देखता है, हर कोई। और मेरी बाइक पटाखे भी बहुत ज़्यादा फोड़ने लग गई है अब, ये देखो इतने पटाखे फोड़ रही है। अब दिवाली आने वाली है, मुझे दिवाली में पटाखे लाने की ज़रूरत ही नहीं है। जा रहे हैं अभी लक्ष्मण झूला की तरफ एंड हम लोग इस साइड से जा रहे हैं लक्ष्मण झूला की तरफ क्योंकि उस साइड तो बहुत भीड़ थी। ऐसे इस साइड उस साइड वाला यहाँ के लोकल्स को समझ आ रहा होगा, जो बाहर से वीडियो देख रहे हैं उन्हें तो समझ आ नहीं रहा होगा। लक्ष्मण झूला जा रहे हैं, देखते हैं थोड़ा सा कहीं बीच वगैरह की साइड में बैठते हैं। अपने ऋषिकेश में भी बीचेस हैं बहुत सारे, जिन जिनको नहीं पता यहाँ पे गोवा बीच भी है। अच्छा है, मतलब शाम की वाइब बहुत अच्छी रहती है वहाँ पे, फॉरनर्स भी आ रखे होते हैं थोड़े बहुत एंड कोई कोई गिटार वगैरह लेके भी बैठता है तो उस टाइम पे अच्छा म्यूजिक भी सुनने को मिल जाता है। मोस्टली यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, आजकल तो इतना टूरिस्ट का है नहीं इसलिए इतनी भीड़ है नहीं, वरना ये एरिया पूरा पैक रहता है। अरे 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 हाय, आराम से। लगी तो नहीं भाई, कैसे चल रहा था भाई? पीछे से आके साइड में गिर गया। नहीं नहीं बच गया, पीछे से आया सीधे साइड में गिर गया, बच गया भाई। वो भी पता नहीं भाई देखने आ रहा था क्या करने आ रहा था, बट सीधे मेरे बगल में आके गिरा यहाँ पर जस्ट। लोग पहुंच चुके हैं लक्ष्मण झूला, हमने क्रॉस कर दिया है, नीचे देख सकते हो नीचे पूरी गंगा रिवर बह रही है एंड अभी राफ्टिंग भी चल रही है तो राफ्टिंग का सीज़न चालू हो चुका है एंड अभी का टाइम ठीक है राफ्टिंग करने के लिए बिकॉज इतनी ठंड नहीं है। जैसे जैसे आगे सर्दियां आती जाएंगी पानी बहुत ठंडा हो जाएगा।
एंड गाइस हम लोग यहाँ पे आके रुके थे तो यहाँ पे सामने गंगा रिवर बह रही है। और एक फन फैक्ट हमारे साथ, बहुत ही बढ़िया चीज है, इसका एक हिडन टैलेंट है। क्या है इसका हिडन टैलेंट? मुंह से सीटी बजाता है, मुंह बंद करके। मुंह बंद करके सीटी बजा सकता है ये। एक और बार। भाई ऐसा टैलेंट जबरदस्त, ये स्कूल में ऐसी करके रखता था, क्लास में किसी को पता ही नहीं चलता था ये सीटी मार रहा है। एक और बार सुना दे। एंड गाइस हम बस इसी लोकेशन पे रुके थे थोड़ी देर के लिए। यहाँ से अभी राफ्ट्स भी गई बहुत सारी, अब तो खैर अंधेरा हो चुका है थोड़ा थोड़ा, तो इसलिए इतनी जाएंगी नहीं, बट दिन के टाइम काफ़ी राफ्टिंग होती है यहाँ पे, तो जाती रहती है मतलब। एंड हम तीन आ रखे हैं आज, तो बस अब पीछे जा रहे हैं रामझूला की साइड थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ धूल मिट्टी बहुत हो रही है, गाड़ियाँ आ रही है, तो वहाँ पे बैठेंगे थोड़ी देर, चिल करेंगे, बाकी देखते हैं कुछ खाएंगे पियेंगे, तो उसके बाद चलेंगे हम घर की तरफ। तो चलो फिलहाल रामझूला की साइड चलते हैं। मैंने आज ही बाइक वॉश करी थी एंड ये देखो कितनी ज़्यादा धूल है, बहुत ज़्यादा धूल हो रही है। एंड गाइस 900 का फ्यूल मीटर भी कुछ समझ नहीं आता मुझे, अभी तो बिल्कुल फुल दिखा रहा था एंड सीधे दो डंडे गिर गए इसके, तो ऐसे ही है मतलब, कभी तो ठीक दिखाता है कभी नहीं दिखाता है। तो बाइक्स एंड स्कूटी का रामझूला एंड लक्ष्मण झूला के दोनों पुल पे बंद कर रखा है, सिर्फ पैदल जाने दे रहे हैं रामझूला से, एंड लक्ष्मण झूला तो कम्प्लीटली शट डाउन है, तो एक एकलौता रास्ता बचा है जानकी सेतु आने के लिए जिससे हम आए थे। ऐसा कुछ रास्ता जाता है यहाँ लक्ष्मण झूला से रामझूला के लिए, ये भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्लेस है मतलब, इसलिए टूरिस्ट इतना आते हैं रामझूला लक्ष्मण झूला साइड, अलग ही वाइब है अगर आप पहली बार आते हो इस साइड तो। एंड ये आ चुका है गाइस गोवा बीच, आप लोग राइट में देख सकते हो पूरा नीचे बीच जैसा बना रखा है, यहाँ पे लोग काफ़ी नीचे एंजॉय कर रहे हैं। एंड ये सामने है रामझूला का पुल, तो हम भी यहीं बैठते हैं अभी थोड़ी देर, यहीं पे चिल करेंगे। ऐसी कुछ लोकेशन है यहाँ पे, नीचे पूरी गंगा जी बह रही है एंड सामने देखो लाइट्स अभी आती जली हैं, पूरी लाइट जल जाएंगी रात तक, कभी कभार नहीं भी जलती है तो कुछ कह नहीं सकते, बट रात को बहुत प्यारा व्यू आता है यहाँ से। A few moments later. एंड गाइस अंधेरा हो चुका है यहाँ पे पूरा, लाइट आज जली नहीं है, तो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं घर की तरफ, चलो। एंड कल संडे है, कल का प्लान डिस्कस हो रहा था, ये बहुत बेचैन हो रखा है जाने के लिए, पर कुछ प्लान ही नहीं बन पा रहा है कल का। अरे कल का बता दो यार। चलो रात को डिस्कस कर लेंगे, चलो। At this moment that he knew he fucked up. Kick mark. गाय पीछे पड़ गई, बंद कर ले भाई। गाय पीछे पड़ गई भाई, गाय पीछे पड़ गई। बच गए बच गए। हाँ पीछे पड़ गई यार। बंद कर लो बंद कर लो। हाँ भाई बच गए। कहाँ के हो, यही के हो? लोकल ही हम तो। धन्यवाद भाई। कहाँ से किए? हाँ भाई
एंड यहाँ से हमें पैदल ले जाना पड़ रहा है। आ जाओ आ जाओ, तू ले जा ले। भयंकर Z900 लेके धक्के मारने पड़ रहे हैं यार रोड में। यहाँ GT भी ऐसी हो रखी है। भाई गंदा सीन हो गया था यार। अब स्टार्ट करके निकल रहे हैं, आगे ना हो बस कोई गाय, बहुत पंगा हो जाएगा भाई। गंदा सीन हो गया था यार। इससे मुझे एक रील याद आ गई, वो एक इंस्टा पे रील वायरल हुई थी ना, जिसमें उस बंदे के पीछे गाय पड़ी रहती है। भाई मैं तो भगा रहा था पहले, वो तो अच्छा हुआ मैं रुक गया, वरना मेरे को उड़ा देती आज गाय। आगे ना मिले बस कोई गाय, मिलेगी तो मैं सीधे बाइक बंद कर लूँगा। बहुत भीड़ है यार यहाँ, बहुत ज़्यादा भीड़। आते हुए हम दूसरे वाले रास्ते से आए थे तो वहाँ से इतनी भीड़ नहीं थी, बट यहाँ से बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। इतनी भीड़ भाई, देख लो भाई इस टूरिस्ट की भीड़ यहाँ पे। तो कोई आने का ऋषिकेश प्लान कर रहा है तो भीड़ देख के आना। क्या हाल चाल है? बढ़िया। भाई फिर से गाय आ गई, फिर से गाय आ गई। कुछ मत करियो, कुछ मत करियो, बच गई। वो वाली ज्यादा आतंकी थी, मेरे पीछे ही पड़ गई थी भाग भाग के। जानकी सेतु पार करके हम लोग इस पार आ चुके हैं, एंड ये वाली वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर हम कल संडे देहरादून जाएंगे तो व्लॉग आपको देखने के लिए मिल ही जाएगा। बाकी ये वाली वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। बाकी अपने थॉट्स कमेंट में लिख देना, जैसी भी आपको वीडियो लगी होगी। थैंक यू सो मच।